बहन और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का संरक्षण भी है। आप सोचो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कोई सोचता था? 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज आप अयोध्या में जाएंगे। बहनों और भाइयों, हमारी पुरी तो यहां पर भगवान जगन्नाथ पुरी तो पहले से पुरी है और यहां पर क्या हुआ, नवीन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य खजाने की चाबी ही यहां गुम हो गई है। भगवान के खजाने में भी डकैती डाल दे रहे हैं, यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। और आप आइए थोड़ा अयोध्यापुरी में आप आएंगे, आपको प्रभु राम के समय की अयोध्या, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी। आज वहां गुलामी के सारे ढांचे हट गए हैं, अब कोई वहां पर गुलामी की बात नहीं कर सकता है, अब तो अयोध्या में जय श्री राम के ही नारे लगते हैं। क्या नारे लगते हैं? जय श्री राम का। बहनों और भाइयों, जय श्री राम का जो ये नारा है ना, आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आपको भी 25 मई को चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, मैं पूरे देश के अंदर अब तक 12 राज्यों का दौरा किया हूं और 12 राज्यों के दौरे के बाद मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर से सारे लोग बोल रहे हैं और वह बोल रहे हैं, वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।